कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। मागच्या हफ्त्यात दाखवलेली आमची बातमी जी वीर जवान चौक या संदर्भात होती, जी आमचे प्रतिनिधी कुणाल कपूर यांनी एक खास रिपोर्ट तयार केली होती, आमच्या या न्यूजमुळं आज काही लोक पुढे आले आहेत। तर चला बघूया या संदर्भात पूर्ण माहिती की त्यांची काय दृश्य आहे या गोष्टीसाठी। चला बघूया। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जिस मुद्दे को जिस तरीके से बताया गया था आपने उसे उठाया और जो है एक वाकई में ही जो है कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है ये। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से शहर भर में जो कि प्रतिमाएं बनाई गई है महापुरुषों की या फिर वीर जवानों के नाम पर, तो उनकी जो परिस्थिति है तो उन परिस्थिति को देखकर किस प्रकार से लगता है ये सबसे पहले जानना चाहेंगे एक युवा होते हुए। देखिए, सबसे पहली बात है जिस चीज़ को हम मेंटेन नहीं कर सकते उस काम को नहीं करना चाहिए, और जब वो काम हुआ है तो जिस स्थान पर वो है उस परिसर के जागरूक नागरिकों का काम है कि उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए प्रशासन के साथ में पत्र व्यवहार करें या आंदोलन के रूप में उपोषण के रूप में अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो। देखिए, जनता सबसे बड़ी है, सो हमारा काम है प्रशासन से कहना और प्रशासन का काम है उस काम को करना। इसी प्रकार से पिछले दिनों में जो ये अमर जवान चौक का मुद्दा उठा था जो कि शहीदों की याद में बनाया गया है, देखिए शहीदों के लिए पूरे देशवासियों की या हमारे शहर के हर किसी व्यक्ति की एक भावना है, अटैचमेंट है, और हम सभी जो शहीद हैं उनसे प्यार करते हैं, उनके परिवारों से प्यार करते हैं, और यहाँ पर उन्हीं शहीदों के याद में ये स्मारक या इस चौक का निर्माण हुआ है जिसकी हालत बहुत गंभीर है। मैं कहूँ तो ये कचरे का साम्राज्य यहाँ पर बन गया है और यहाँ पर इस चौक पर कुत्ते आराम करते हैं, रोज़ बैठते हैं, ऐसे कई फ़ोटोज़ वीडियोज़ मेरे पास में हैं जिसके विषय में हम चाहते थे, और आप लोगों की न्यूज़ पर आने के बाद में हमने सोचा कि और भी इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और इसे जो कि हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसे उठाकर और इस चौक को जो शहीदों के नाम पर है उसका सुशोभीकरण हो, इसलिए हमने प्रभाग समिति के जो हैं अधिकारी सिंपी उनके पास में पत्र व्यवहार किया है और उनको कहा है कि आप 10 दिन में इसका सुशोभीकरण करें, जो इसकी ग्रिल लगाई है सुरक्षा के लिए उसकी हाइट बढ़ाई जाए ताकि कुत्ते अंदर ना जा सकें, जो पीछे फाउंटेन उन्होंने बनाया है पालिका ने वो पूरी रीति से ख़राब हो चुका है, पूरा कचरा है, ऊपर कुत्ते जाते हैं, इन सारे काम को 10 दिन में किया जाए। यहाँ पर और भी अलग प्रकार से जो इसकी गन है वो पूरी रीति से टूट चुकी है, कैप यहीं पर नीचे कहीं गिरकर वो ख़राब हो चुकी है, मालूम नहीं अब वो कहाँ पर है, बारिश में ओपन होता है तो नया गन लगाकर उसको कांच के बॉक्स में उसको सुरक्षित किया जाए, इस प्रकार की कई हमने मांगे की हैं। और आने वाले 10-12 दिनों के अंदर अगर इस काम को नहीं होता है तो मैं शहर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हम 26 जनवरी 15 अगस्त यहां पर आकर जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या फिर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के नाम पर हम बहुत सारे कामों को कुछ चुनिंदा दिनों में करते हैं, मैं उन सभी को आह्वान करना चाहूँगा कि हम अगर ये नहीं होता है तो 10-12 दिन के बाद में हम यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं, आप सभी आएँ, एक शहर बोलकर, एक देश बोलकर, एक राष्ट्र बोलकर हम यहाँ पर आएँ, और महानगर पालिका से न केवल यही, ये तो शुरुआत है, और भी अलग अलग जगहों पर जहाँ पर महापुरुषों के चाहे वो कोई भी हो, देखिए महापुरुष हैं किसी भी धर्म के भी हो सकते हैं, किसी भी और भी बहुत अलग भाषा बोलने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन वो महापुरुष हैं, उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, उनके प्रति हमारी भावना है और उनके लिए हमें आगे की ओर काम करना चाहिए। राठौर जी, आपकी जो मुहिम आपने जो उठाई खबर चलने के बाद, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे, और साथ ही साथ हम भी यही कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों से, खास करके प्रशासन से, कि जिम्मेदारियों को समझे। इस तरीके से यदि आप स्मारक बनाते हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं शहर में, ये तो एक है कि चलिए अब जो आवाज़ उठाई जा रही है इसमें कहीं ना कहीं बदलाव होगा, लेकिन अन्य जो कि प्रतिमाएँ हैं उनके ऊपर भी गौर करें। फिर से मैं कहना चाहूँगा, महासभा में इस मुद्दे को उठाया जाता है, चर्चा में लाया जाता है, लेकिन चर्चा हो जाती है लेकिन इसके ऊपर खर्चा भी जो है बजट में दिखाया जाता है, आखिरकार वो किस प्रकार से किया जाता है ये तो समय बताएगा। आप देखना ये है कि परिस्थितियां किस तरीके से आने वाले समय में बदलाव में आती है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।